सो हे गाइज, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के चैनल में. एज यू ऑल नो दैट हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यूएस हेजमनी अब इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज. बिना टाइम वेस्ट किए पॉलिटिकल की वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर थर्ड, जिसमें आज हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और देखिएगा कि हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको जिक्र कर रहे हैं. नंबर वन क्वेश्चन इसमें बताया हुआ है, नंबर वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू स्ट्रैटेजी टू ओवरकम विद द हेजमनी. देखिए, हेजमनी शब्द का मतलब हिंदी में आधिपत्य भी होता है और बहुत से बच्चे इस वर्ड को वर्चस्व के नाम से भी जानते हैं. तो वर्चस्व शब्द हो या आधिपत्य हो, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आपने डोमिनेंस इसे इंग्लिश वर्ड में बोला जाता है. यूएस का पूरी तरीके से थर्ड चैप्टर के अंदर डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है. हम देखने की कोशिश करें कि यूएस का डोमिनेंस कैसा है इस चैप्टर के अंदर. अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इस चैप्टर की जाके वीडियो वॉच करिए, उसके बाद टॉप इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यू सीरीज डाली हुई है वो देखिए, देन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे आइए. तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए सुपर नेशन कंट्रियां होती है, उसकी हिजमनी से बचने के लिए हम पूरे वर्ल्ड के अंदर दो स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती है. यानी कि अगर आपको यूएस से बचे रहना है, टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री तो यूएस है, वही डोमिनेंस कर रही है, तो अगर उनके डोमिनेंस से आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा. तो उसको करने के लिए हमें दो नीति बताई हुई है, एक है बैंड वैगन स्ट्रैटेजी और एक है हाइड स्ट्रैटेजी. दोनों स्ट्रैटेजी जो है ना खतरनाक स्ट्रैटेजी इसी वजह से है. बैंड वैगन की रणनीति, देखिए पहली रणनीति क्या होती है, जिसे बैंड वैगन की रणनीति बोलते हैं. इस रणनीति का मतलब ये होता है अगर आपको किसी भी पावरफुल कंट्री के वर्चस्व से बचना है तो आप उनके अंडर में रह के काम कर लीजिए, यानी कि भीतर काम करके लाभ उठा लीजिए. इसे बैंड वैगन की रणनीति कही गई है. और दूसरी रणनीति है हाइड स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब है छुपे हुए रहना या छुपने की रणनीति को हाइड रणनीति बोलते हैं. इसके अंदर क्या बोला गया है, इन दिस स्ट्रैटेजी इट इज सजेस्टेड दैट स्टे अवे फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज फार एज पॉसिबल. मतलब डोमिनेंट कंट्री से जितना आप दूर रह सकते हो उतना दूर रहिए और अपना डेवलप करते रहिए. तो दो तरीके की थ्योरी दे रखी है आपकी पूरी बुक के अंदर. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं चाइना, रशिया और यूरोपियन यूनियन, ये पूरी तरीके से इन्हीं थ्योरी का इस्तेमाल करती है और आज चाइना टॉप मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुकी है. सो यू हैव ओनली टू ऑप्शन, या तो उनके साथ मिल जाइए और या तो अपना धीरे धीरे विकास करते रहिए. तो दो थ्योरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्सप्लेन द हेजमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एज अ स्ट्रक्चरल पावर. देखिए, हमें ये तो अच्छी तरीके से पता है कि जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, उसकी दो पावर है, स्ट्रक्चरल पावर है और हार्ड पावर है. तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है तो वो स्ट्रक्चरल पावर से दिखाने की कोशिश करता है. आधिपत्य मतलब डोमिनेंस होता है, जैसे आप रचनात्मक शक्ति बोलते हैं. रचनात्मक शक्ति मतलब कि अगर यूएसए जो है वो पूरी वर्ल्ड में अगर राज कर रहा है तो उनका स्ट्रक्चर पावर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है. तो स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं द यूएस प्रोसेस बोथ ability to desire to establish certain norms in the order of sustain the global structure. यहाँ पे बताया हुआ है कि वैश्विक संरचना के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेरिका जो है नए मापदंड और निश्चित मापदंड जो होते हैं उसको तय करने की पावर रखता है. US reflect this hegemony by providing global public goods. These goods that can be consumed by one person without reducing the number of goods available for someone special या someone else. मतलब अगर कोई भी सार्वजनिक वस्तु वैश्विक रूप पे अमेरिका प्रदान कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसका उपभोग कोई अकेला व्यक्ति भी कर पाएगा और उससे पूरा लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल पावर कहने का मतलब एक गूगल ले लीजिए, आप यूट्यूब ले लीजिए, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसका कंज्यूम भी कर रहे हैं और दूसरे को भी सर्विस दे पा रहे हैं. इनकी स्ट्रक्चर ऐसा है. उदाहरण के लिए यहाँ पे आपकी बुक के अंदर सीज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दे रखा है और साथ में यहाँ पे दूसरी एमबीए की डिग्री दे रखी है, जो सबसे पहले यही लेके आए थे.
तो इसीलिए यहाँ पे इनका स्ट्रक्चरल पावर बहुत खतरनाक होता है। तो भाई हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट जो है दोनों लिख सकते हैं इन क्वेश्चंस को और नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए बच्चों, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके भी परचेस कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से, अपने रिकमेंडेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिए ही हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना है तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यूएस स्टेट की आपको अब हार्ड पावर बतानी है। हार्ड पावर इन द सेंस वही, क्योंकि उनको अपना डोमिनेंस दिखाना तो है ही, तो डोमिनेंस में उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसी थी, तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी बतानी है इसमें। एज अ हार्ड पावर द यूएस लाइज इन द सुपियोरिटी ऑफ द मिलिट्री पावर, यानी कि अगर हार्ड पावर की देखी जाए अमेरिका की, तो सैन्य शक्ति उनकी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर है। एट प्रेजेंट टाइम करंट पोजीशन देखें तो यूएस पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलिट्री डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, जिसका जीता जागता एग्जांपल हमने वियतनाम का वॉर देखा है, और साथ में हमने ये भी देखा है किस तरीके से उन्होंने अपना मिलिट्री डोमिनेंस दिखाया था इराकी फ्रीडम के अंदर भी। और यहाँ पे मिलिट्री पावर उनकी दोनों ही खतरनाक है, एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है। इस तरीके से मिलिट्री डोमिनेंस यूएस का सबसे पहले और सबसे हाइयर है, और यहाँ पे उनको कोई नहीं हरा सकता मिलिट्री, क्योंकि इनका रक्षा बजट ही इतना ज़्यादा होता है कि किसी कंट्री का बजट बनता है ऐसा। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि उनकी हार्ड पावर बहुत ही खतरनाक है, जैसे आप क्या बोलते हैं इसे, आप कठोर शक्ति के रूप में भी जानते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा हुआ है आपको कि अमेरिका का रिस्पांस क्या रहा 9/11 के टेररिज्म अटैक के ऊपर, यानी कि 9/11 मतलब जो आतंकवादी घटना हुई थी, वो मैंने पूरी वीडियो इस पर एक्सप्लेन करी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये अटैक हुआ तो अमेरिका ने ये सोच लिया कि हम पर हमला, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के टेररिज्म को ख़त्म कर देना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए इन्होंने सबसे पहले एक ऑपरेशन लॉन्च करा, उसे बोलते हैं ऑपरेशन डिग्री फ्रीडम। देखो मैंने ना पॉइंट जो बनाए हुए हैं ना, वो पॉइंट वो बनाए जो एग्जैक्टली आपको पेपर में छाप देने और एग्जामिनर पढ़ते ही तुरंत 4 से 6 जो मार्क्स के आप लिखोगे पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया सबसे पहले उन्होंने, उस समय पे जो भी राष्ट्रपति थे उन्होंने चला दिया। उसके बाद उन्होंने कसम खा ली थी कि तालिबानी और अलकायदा के जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ढूंढ ढांड के निस्तो नाबूद कर देना है। यूएस फोर्स ने ऑल ओवर काफ़ी वर्ल्ड के अंदर अरेस्ट करे लोगों को, जिन जिन पे उनको क्या कहते हैं, क्या थी संदिग्ध वो हो रही थी कि भाई इन्होंने कुछ करा होगा। उसके बाद उन लोगों को, इन लोगों ने सीक्रेट प्रिजन दैट मीन्स गुप्त जेलों के अंदर शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद इस शिफ्ट करने के बाद गोविंद बेना एक जगह है, वहाँ पे इन सभी प्रिजन्स को शिफ्ट करा गया, जहाँ पे किसी भी सरकार को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन करने के लिए तैयार थे, लेकिन यूएस पे हमला वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमला बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा ऑपरेशन चला था, और जब तक इसके मेन हेड को ढूंढ के नहीं मार दिया, जब तक अमेरिका शांत नहीं हुआ था। तो आप देख सकते हैं, आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे। तो भाई मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू जस्टिफाई द अटैक ऑन द इराक इन द नेम ऑफ अटैक ऑफ टेररिज्म, आपको क्या लगता है आतंकवाद पे हमले, दैट मीन्स जो इराकी फ्रीडम हुआ था, इराक पे अटैक हुआ था, उस अटैक का मतलब क्या ये हो सकता है कि अमेरिका ने इस अटैक को टेररिज्म पे अटैक बोला है सही मायने में? तो ऐसा नहीं था, सही मायने में तो ये था कि 19 मार्च 2003 के अंदर यूएस ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, कोऑर्डिनेशन ऑफ विलिंग कंट्री थी, बहुत सारी कंट्री ने मिलके ग्रुप बनाया, उस ग्रुप ने 40 से अधिक देशों ने मिलके एक गठबंधन शामिल करा जिसमें इराक को उन्हें ख़त्म करना था। ऐसा बोला जाता है कि इराकी फ्रीडम पूरी तरीके से अमेरिका के फ़ायदे के लिए था, ज़्यादातर इसमें क्या कहते हैं आपका यूएस का
फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था और इराक को बस ये बोल दिया कि वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मास डिस्ट्रैक्शन जो है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन यानी कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामूहिक विनाश के हथियार जो हैं उसके सबूत इराक के अंदर मिले हैं। और ये ऐसा लोगों को बताया गया और बाद में क्या कहते हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इराक के ऑयल पे और वहाँ पे अपनी खुद की फ्रेंडली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कसम खा ली थी। तो आप इस क्वेश्चन को इराकी फ्रीडम के आंसर में भी लिख सकते हैं, कारण परिणाम बताइए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है कि इराक पर हमला सही मायने में क्या आतंकवाद पे हमला था, तो आप ये एग्जैक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी इजीली। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ बैंड वेगन स्ट्रेटजी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हाइड। तो ये तो बहुत ईजी है, बैंड वेगन रणनीति का मतलब होता है छुप के काम करना, और मतलब जो अमीर कंट्री या पावरफुल कंट्री उसके अंडर में रह के काम करना, और जबकि दूसरी नीति है हाइड स्ट्रैटेजी, मतलब उनकी कंट्री से दूर रहना, मतलब पावरफुल कंट्री से दूर रहना और अपना खुद का डेवलपमेंट करते रहना, है ना। तो भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई होगी आपके हिसाब से, कमेंट करिएगा, हाइड रणनीति अपनाई है या बैंड वैगन रणनीति अपनाई है। तो देखो ये आंसर मैंने लिख दिया है, आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमने अपने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में चीज़ें दे रखी है, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं, वहां से परचेज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिए, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर मैं नई नई चीज़ें भी अपलोड करता रहता हूँ स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज इंडिया मेंटेन्स इट्स रिलेशन विद US ड्यूरिंग द पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के बाद भारत ने अमेरिका के साथ क्या संबंध बनाए। आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा कि भारत ने शुरुआत में अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं बनाए थे, वो तो USSR के साथ अच्छे संबंध बना रहा था, लेकिन USSR ख़त्म हो गया, उसके बाद उन्होंने अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत कर दी थी। तो हमारे वैसे भी अमेरिका से अच्छे संबंध है, हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले 65% ऑफ इंडियन के टोटल जो सॉफ्टवेयर सेक्टर्स होते हैं वो हम ही उनको भेजते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 35% जो टेक्निकल स्टाफ है बोइंग जहाज़ के अंदर वो लगभग इंडिया से ही जाता है। सिलिकॉन वैली के अंदर आज भी इंडियंस, कम से कम 3 लाख इंडियंस सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। और साथ में हाईटेक सपोर्ट स्टार्टअप जो है अमेरिका में जो 15% हुआ है वो भी हमारे इंडियंस के द्वारा ही हुआ है। इस तरीके से हमारा शीत युद्ध के बाद भी अमेरिका से अच्छा रिलेशन है और हम अमेरिका को काफ़ी अच्छा बिजनेस भी देते हैं और हम अमेरिका से भी काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमेरिका शो इट्स सुपरमेसी टू द होल वर्ल्ड, यानी कि अमेरिका जो है अपनी पूरी की पूरी सुपरमेसी, सर्वश्रेष्ठता पूरी कंट्री में कैसे दिखाने की कोशिश करता है। उसका एग्जांपल है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसमें उसने कैसे इराक को हरा दिया था, ऑपरेशन इन्फाइनाइट रिच, कैसे उन्होंने अलकायदा को ढूंढ ढांढ के मारा था, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, कैसे उन्होंने ग्लोबली वॉर टेररिज्म ख़त्म करने की कोशिश करी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसमें कैसे उसने पूरे इराक को ख़त्म करा और USA ने अपनी खुद की वहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जीता जागता एग्जाम्पल है अमेरिका की सुपरमेसी दिखाने का, अमेरिका की पावर को दिखाने का। आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आप इन्हीं क्वेश्चंस को लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, अगर आपको लगता है तो दोबारा उसे सुन लीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, मैं अगली वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे, कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, लेकिन CBSE बोर्ड के अंदर कुछ भी हो रहा है, MP बोर्ड के अंदर कुछ भी हो रहा है, तो इसीलिए मैं उस चीज़ को पूरी की पूरी वीडियोज़ बनाता जा रहा हूँ। जिस बच्चे को लगता है कि मेरा ये नहीं आ रहा तो उसे पास ऑन करिए और उसको आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन जिन बच्चों को आ रहा है तो मुझे उनको भी देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं सारी कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ।
नेक्स्ट है यहाँ पे आपसे बताना है कि अमेरिका की हिजमनी, देखो वर्ल्ड के लेवल पे अमेरिका को तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अमेरिका को अगर कोई रोक सकता है तो दो आपको कारण बताने कि अमेरिका की पावर को रोक कैसे जा सकता है, रोका कैसे जा सकता है। तो नंबर वन यही है, अमेरिका की पावर को रोकना है तो उनका खुद का इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऐसा है, मतलब संस्थागत वस्तुकला, संस्थागत बनावट ऐसी है जिसमें अमेरिका को रोका जा सकता है उसकी पावर से, क्योंकि वहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो है वही वहाँ की सरकारें ही उनको रोक सकती है। दूसरा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इन अमेरिका देयर इज अ सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, वही वाली बात जो मैंने बताई कि वहाँ पे सरकार की शाखाओं में डिफरेंस है, इसलिए वहाँ पे भी उसको बदला जा सकता है। और वहाँ की क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि सरकार जो है उसकी पावर को कम कर सकती है, इससे वो पूरी तरीके से मिलिट्री, जो मिलिट्री पावर के काम काज है उस पर पूरी तरीके से फोकस कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा अवरोध ये है कि यहाँ पे यहाँ की जनता के अंदर एक ओपन नेचर है जो सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकती है। और दूसरा पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है हर जगह पे अंदर सरकार के काम में, है ना। तो ये सारे कारण हैं। और मैं एक नाटो भी एग्जांपल डाल सकता था इसके अंदर कि नाटो जो है वो भी यूएस का एक मेंबर है, यूएस जो है उसकी कंट्री के ही पार्टिसिपेंट है, तो वो लोग भी उसको रोक सकते हैं अगर अमेरिका की पावर को रोकना है तो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी थ्री फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूएस हेजमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि आपको बताना है विश्व राजनीति के अंदर अमेरिकी वर्चस्व के लिए जिम्मेदार तीन कारक कौन से हैं, मतलब अगर अमेरिका वर्चस्व में आया तो उसके तीन कारण कौन से हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द यूएस लेज इन द ओवरवेलमिंग सुपेरियरिटी ऑफ इट्स मिलिट्री पावर, उसकी मिलिट्री पावर गजब की है, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा आज की रेट में सबसे ज़्यादा ऊपर है। एट प्रेजेंट टाइम पे हम देख सकते हैं यूएस आज भी मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, जो 12 कंट्रियाँ मिला के खर्च करती है। दूसरा अगर हम देखें उसका जीता जागता एग्जांपल, कि हमें ये पता चला कि उन्होंने कैसे इराक को जानबूझ के अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर अटैक कर दिया, और यूएन को ये बताने की कोशिश करी कि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वेपन्स पाए जा रहे थे। तो इससे भी पता चल सकता है कि यूएन का जो क्या कहते हैं वर्चस्व कह सकते हैं, हेजमनी कह सकते हैं, कितनी खतरनाक थी, है ना। सो गाइस दिस इज योर विजय हेयर एंड दिस साइड टॉप इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, राइट डाउन जरूर करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, परचेज कर सकते हैं आप जाके। और यहाँ पर साथ में इस वीडियो पर मैं आप इसको विराम चाहता हूँ, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।